मैं बीएस बिस्ट उन्याल ग्रुप में एक सेवादार हूं और मैं गढ़ समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से निवेदन करता हूं, आने वाले 4 तारीख को अपना समर्थन पहले नंबर पे 13 गाय हैं, 13 गाय पे मोहर मार के विजय बनाए और उन्याल ग्रुप को लाना है तो भाईचारा बनाना है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन निवेदन मेरा गढ़ समाज से है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 7:30 बजे लाइन पर लग जाए, ताकि गौ माता के चरणों में पहली जो भेंट आपकी चलनी चाहिए, सुबह उठ के पहले नहा धो के संग बजा के त्रिशूल के दर्शन करके और गौ माता के चरणों में भोर दे करके श्रीमान कुंदनलाल उन्याल जी की समस्त टीम को। मैं बीवी बहुगुणा हूँ, पूर्व में मैं 2 बार गढ़वाल सभा का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। जैसा कि मैं आपके चैनल को पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा मुख्य उद्देश्य इस ग्रुप को किस लिए जिताना है कि इन्होंने अश्योरेंस दी है कि हम जो फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज़ यदि कोई हुई है तो उसको पब्लिक के सामने उजागर करेंगे, तो हमारी सपोर्ट इसलिए इनके साथ है। और ग्रुपों के साथ हमारा कोई बैर या दुश्मनाई नहीं है, परंतु क्योंकि उन्होंने एश्योरेंस नहीं दिया हमें कि वो भी ऐसा करेंगे, इसलिए हमने इस ग्रुप को अभी समर्थन देने का पूरा पूरा मन बना लिया। धन्यवाद। मैं चंद्रमोहन जोशी सांसद सचिव गढ़वाल सभा पंचकूला की तरफ से हूँ जी, और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि उन्याल ग्रुप इस समय ट्राई सिटी में सबसे आगे जा रहा है, क्योंकि हमने 1 महीने से काफ़ी जगह हम गए हैं तो वहाँ पर घर घर में सब उन्याल ग्रुप ही है। लोग बड़े बहकाव में घुमा रहे हैं, कोई उसमें डाल रहा है उसमें डाल रहा है, आज हमारी इतनी बन गई आज इतने बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। समाज जागरूक है कि 9 साल से वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो इतना कहता हूँ कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और समाज हमारे साथ है, और 4 तारीख को जो वोट पाएगा वो वोट समझो हमारे गांव को एक वो गाय को एक चारा के रूप में जाएगा, एक एक वोट जो आएगा गाय यहाँ पर वोट पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ट्राई सिटी के लोग जानकार है और हमें खुशी भी है कि लोगों को समझ है कि हम ये काम करेंगे, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, समय पर सब वोट देने आए और उन्याल ग्रुप को जीत बनाए। मैं कुशलानंद बिजलवान, पूर्व प्रधान टिहरी विकास परिषद, वर्तमान में सलाहकार। हम कुंदनलाल ग्रुप से उनके समर्थक हैं और हम इस बार ये चाहते हैं थोड़ा चेंज होना चाहिए। 9 साल तक जो एक ही ग्रुप वहाँ बैठा रहा है उनके अगेंस्ट जो है तो कुंदनलाल जी खड़े हुए हैं, और भी 2 हैं, लेकिन हम कुंदनलाल ग्रुप से उनके समर्थक हैं। गाय माता हमारा चुनाव चिन्ह है और गाय माता ही हमारे जो है तो उन्याल ग्रुप को जिताएगी। हम चाहते हैं जो चुनाव आयुक्त हैं उन निष्पक्ष चुनाव कराएँ और अच्छे ढंग से चुनाव कराएँ, ताकि उनका भी मान सम्मान हो। और हम अपने सभी गढ़वाली भाइयों से, जितने भी हमारे 5 जिले के हैं, पहले हम जो हैं तो भारतीय हैं, फिर उत्तराखंड के हैं, फिर गढ़वाल के हैं, तो हम सभी गढ़वालियों से चाहते हैं सोच समझ के वोट दें, उन्याल ग्रुप को वोट दें। गाय माता हमारा चुनाव चिन्ह है और उन्याल ग्रुप को श्री कुंदनलाल उन्याल जी को बहुमत से जिताएं। मैं धीरज राणा वरिष्ठ उपप्रधान पद के लिए उन्याल ग्रुप से, गौ माता चिन्ह है हमारा, यहाँ से खड़ा हूँ। मैं तो एक ही सवाल है मेरा कि अब आपस में हमारे भाईचारा खराब ना हो, हम सब गढ़वाली एक हैं, लेकिन जो धांधली होगी वो असवाल जी कैसे रोकेंगे। एक घर में 32-32 बोटें हैं बनी हुई है, 4 उनके कमरे हैं और 32 बोटें बनी हैं, कोई पिंजोर रहता है, कोई अंबाला रहता है, कोई कहीं रहता है। तो मैं इलेक्शन कमीशन साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन वोटों को कैसे रोकेंगे। धन्यवाद जी। मैं बलवीर सिंह टोपाल, प्रधान अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा। मेरी उत्तराखंड की ट्राई सिटी जनता को सबसे निवेदन है कि इस बारी कुंदनलाल उन्याल जी को भारी बहुमत से विजय बनाएं और सफल बनाने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा।
मैं अवतार सिंह राणा गायक ग्रुप से हूँ और पहले मैं 55-56 का 3 साल प्रधान रहा हूँ। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले 2015 में हमने भी संघ ग्रुप को वोट दी है, लेकिन जो उन्होंने बीच में धांधली की है, 9 साल सभा को कोर्ट में घसीटा, उसके वजह से हमने उनको छोड़ दिया और उसमें खर्चा भी हुआ है, क्योंकि केस इंडिविजुअल था, पर्सनल केस था विक्रम रावत पे, और उसने उसको घुमा के सभा के ऊपर कर दिया और फिर वकीलों की फीस सभा ने भरी। इसलिए हम उन लोगों के खिलाफ़ हैं कि भाई आगे से जो हमारे गायक ग्रुप से पुन्नलाल उनियाल जी प्रधान कैंडिडेट हैं, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी अगर आगे हमारी पार्टी आ गई तो हम उसका री ऑडिट कराएंगे, जो भी खर्चा हुआ है जो भी हुआ उसका री ऑडिट कराएंगे, इसलिए हम उनियाल जी के साथ हैं। तो आगे के लिए भी हम, क्योंकि मीडिया जो है वो हिंदुस्तान का तीसरा स्तंभ है, तो जो आप, हम आपका ये धन्यवाद करते हैं कि जो बारी बारी पे आप सच्चाई दिखाते रहते हो, यही मेरी आपसे विनती है कि इसका पूरा सा पूरा मीडिया में प्रचार किया जाए कि भाई ये गलत हो रहा है। ओके, जय गौ माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं 24 चैनल का, आपके माध्यम से मैं 24 चैनल के माध्यम से, जैसा कि चंडीगढ़, ड्राई सिटी, मोहाली, पंचकुला, सबको विदित है कि चुनाव चल रहा है जिसमें कि तीन पार्टियां, मैं कहूँगा, या तीन प्रधान पद की जो कैंडिडेट हैं खड़े हैं। तो साथियों, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, ये जैसा कि विक्रम बिष्ट जी, जिन्होंने कि 9 साल पहले गढ़वाल सभा को प्रधान थे, 9 साल सबको उलझा के रखा, ये सारे समाज को हमारे पता है। और जैसा कि अभी परिवर्तन होना जरूरी है, तो इस करके गोपाल गोलू धाम मैं सेवा करता हूँ अपनी, और कैमवाला चंडीगढ़ में, और उत्तरांचल वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 56 से भी जुड़ा हूँ, और मोहाली में गौमुख गंगा उत्तरकाशी गढ़वाल सभा का महासचिव होने के नाते हमने लोगों से वादा किया था कि हम आपको गढ़वाल सभा से जोड़ेंगे, लेकिन जो अभी हमने देखा कि काफ़ी सारी इन्होंने वोटें इन क्षेत्रों की कह के काटी है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जबकि जब से 1958 से गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी और आज तक 2015 तक जितनी भी वोटें पड़ी, सब क्षेत्रों की पड़ी, रोपड़ की, खरड़ की, डेरावसी की, सारा क्षेत्र, कोई नवागरों, जो भी इन्होंने क्षेत्र काटे हैं, आज तक ये सभी वोटें इन्होंने यहाँ पे डली हैं। पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा, ये पहली बार इन्होंने इन क्षेत्रों की जो वोटें काटी हैं। तो चुनाव आयुक्त जो अधिकारी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों का अधिकार, जो लोगों की इन्होंने वोटें काटी हैं, वो आप, अभी समय है, सबकी पोलिंग कराएं, सबको अधिकार है वोट देने का। और गौ माता को मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों की वोटें कटी हैं, वो अपने रिश्तेदारों को चंडीगढ़ में, पंचकुला में, जहां जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, इनके मुताबिक सबको फोन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें। जिन जो सेक्टर की वोटें बनी, वहां तो उनके रिश्तेदार होंगे जिनकी वोटें कटी हैं, तो आप लोगों के, आपके माध्यम से वो लोग सबको फोन करें। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा पोलिंग होगी इससे काटने से, जो लोगों का रोष है इसमें ज्यादा आएगा, और गौ माता को, उनियाल ग्रुप को हम विजय बनाएंगे, आपको दिखाएंगे विजय बना के। ये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ चैनल का, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।